दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। दोस्तों आपके सामने तीन क्वेश्चन मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये है, आम आदमी पार्टी वास्तव में आम लोगों की पार्टी है या किसी व्यक्ति विशेष की, दैट मीन्स केजरीवाल की पॉकेट पार्टी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि आम आदमी पार्टी ये पढ़े लिखों की लोगों की पार्टी है या कम पढ़े लिखों की पार्टी है। ये तीसरा पॉइंट मेरा कि आम आदमी पार्टी दावा करती है कि ईमानदार पार्टी है। अब मैं बताएं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है या एक भ्रष्ट पार्टी है। अब ये बातें करेंगे अभी हम शेयर। तो इससे पहले मैं आपको सामने रखाऊंगा कुछ तथ्य आपके सामने। 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर बहुत चल रहे थे घोटाले, कांग्रेस का शासन था, रोज अरबों करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे थे लगातार। देशी जनता परेशान थी। अन्ना हजारे ने ये मुहिम उठाई कि ये चल रहे घोटाले, भ्रष्टाचार चल रहे लगातार, इनकी रोकथाम के लिए एक लोकपाल विधेयक आना चाहिए। अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट जो किया था वो किया था बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के जो इनकी चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर, उनके स्टूडेंटों की बस भर के जाती थी वहां पर जाती थी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि कांग्रेस हटे और कैसे सत्ता में आए। हुआ भी वो कि 2014 के बाद में मोदी जी यहाँ आ गए और यहाँ पे वो हुआ। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। अन्ना हजारे के व्यक्तित्व की वजह से लाखों लोग इससे पढ़े लिखे ईमानदार स्टूडेंट, यानी कितने कितने डॉक्टर इंजीनियर सभी से जुड़े मुहिम से। लगता था कि देश में बदलाव आएगा, वास्तव में राजनीति बदलेगी देश की। पर और तो और देखिए, आपको बताता हूँ सच्चाई में, मैं भी इससे इम्प्रेस हुआ था। मैं भी चार बार गया था वहां आंदोलन में लगातार, वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की उसमें मेरी भी हमें चोट लगी थी, मेरी भी, मैं भी इम्प्रेस हुआ था। परंतु ये सारी बातें धीमे धीमे धूमिल होती चली गई लगातार। और अब बात करते हैं इनकी ईमानदारी बारे में और इनकी एक डिग्री के बारे में, जो बार बार कहते हैं मोदी चौथी पास है। भैया अपने बारे में बात करो पहले, तुम मोदी की बात करना हो। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, ये छह नाम बता रहा हूँ आपको मैं, इनके ना आधार पर आप तय कीजिए और फिर बताइए मुझे आप। पहला नाम किरण बेदी, देश की पहली आईपीएस महिला। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या वो ईमानदार नहीं थी? दूसरा कुमार विश्वास, देश के ही नहीं बल्कि आज तो वर्ल्ड लेवल के वो जाने माने कवि हैं वो, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? तीसरा देखिए आप, शांति भूषण और प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उन्होंने न जाने कितनी जनहित याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की है, कितनों को न्याय दिलाया है। और शांति भूषण जी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए दान में दिए थे उनको स्थापना करने के लिए, तब एक आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी तभी। अगले नौसेना अध्यक्ष, नौसेना जो है मैं छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है नौसेना, आप जानते हो वायुसेना, नौसेना, थलसेना। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल रामदास वो खुद इसमें शामिल हुए। और अगले देखिए आशुतोष पत्रकार, टीवी में आप देखो जाने माने पत्रकार पढ़ने के काबिल, वो भी इसमें शामिल हुए। अगले योगेंद्र यादव, बहुत जाने माने एक कृषि हमारे वैज्ञानिक, और ये भी इसमें हुए। नया ऐसे ढेर सारे नाम बता दूंगा आपको, मैं चाहूँ बताने आपको, मैं आपको छह दिए आपको मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको। तो इनमें क्या ये पढ़े लिखे नहीं थे? क्या ये ईमानदार नहीं थे? आपने एक एक करके इनको बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? कारण ये था कि यदि आपकी पार्टी में सामने रहते ना तो आपको ये घोटाले नहीं करने देते, आपको ये आपको गलत काम नहीं करने देते। आपने एक साजिश के तहत एक एक करके बाहर कर दिया। अब बात करते हैं दो पॉइंट हमारी शिक्षा के बारे में। आम आदमी पार्टी हर बार मोदी चौथी पास है, अनपढ़ पीएम है। आप बताइए मुझे, आपकी पार्टी में 22 एमएलए हैं जो 12वीं पास हैं, क्या उनको जानकारी नियम कानून की? वो बस आएंगे, कोई प्रस्ताव आएगा, अंगूठा लगा देंगे, हाथ खड़े कर देंगे, दैट्स ऑल, हो गया वो काम। एमसीडी में आ जाइए आप, एमसीडी में आपके 52% जो पार्षद है ना वो 8वीं पास, 5वीं पास, अंगूठा छापे। क्या वो टेंडर की प्रक्रिया समझ पाएंगे? कुछ नहीं समझेंगे, अंगूठा लाएंगे, घोटाला होगा। ये तो मैं बताइए आपको शिक्षा के बारे में। आप दूसरे उठा दो उंगली, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है? अरे तुम्हारी पार्टी में कितने हैं पढ़े लिखे लोग, उनको बताइए मुझे आप।
आप करते हैं इनके बारे में कितनी ईमानदार है, ईमानदारी देखेंगे आपकी मिसाल। कहते हैं हम कट्टर ईमानदार देशभक्त पार्टी है, हम भगत सिंह की औलाद है हम। वाह वाह वाह, देखिए मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल पड़े हुए आज, अभी तक उनको बेल नहीं मिली अभी तक, देख लीजिए आप। और दूसरे के मंत्री सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे, अब तक पड़े हुए जेल में, और जेल में क्या हो रही है, मसाज सेवा हो रही है, बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है उनको आराम से। भैया ऐसे सजा के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे जेल में भेज दो, मुझे मसाज होगी, खाना अच्छा मिलेगा। ये आपका क्या ईमानदारी है या भ्रष्टाचार है, उन्हें गलत काम किया, हवाला कान में पकड़े गए थे, वो जेल में पड़े वो रहने दो, आप छोड़िए उनको, क्यों नहीं निकाला पार्टी से आज तक, पार्टी के सामने क्यों है वो आज तक। तीसरे आप देखिए वो है अमान तुल्ला खान, ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है दिल्ली के अंदर, इन पर जो इन्होंने अवैध रूप से उल्टी सीधी हेरफेर की इन्होंने। राजेंद्रपाल गौतम सुना हुआ, इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली दी थी सरेआम, ये मतलब जनभावना को मजाक उड़ाया, क्या आपने इनको पार्टी से निकाला, ये शिक्षित थे क्या आपके। और ये सोमनाथ भारती तो आपने सुना, इनको बहुत फेमस है, आपको आपने जलपुर का बना रखा है, इनको आपने पोस्ट दे रखी है आपने, इनको अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवाते थे, सजा हुई थी 2 साल की इनकी, ये आपको मैंने कुछ नाम बताया आपको। और ये अब तय कीजिए आप कि ये ईमानदार है क्या, पढ़े लिखे हैं। अब देखो एक और नई बात आपको, अब जो 45 करोड़ का हुआ है महल बनाया है उसकी जांच होगी, अब डीटीसी में बस खरीदी है उनकी जांच हो रही है, तब आपको दिक्कत हो रही है। स्कूलों में कमरे बनाए आपने 25 लाख से लेकर 33 लाख तक बनाया आपने, उनकी जांच हो रही है। और आपने कहा था हम पानी 24 घंटे देंगे, वो भी गंगा जी की तरह साफ, और पानी कैसा आ रहा है, सब हर घर में बदबूदार, आता भी नहीं है किसी घर में। तो आपने कहा था यमुना साफ कर देंगे, क्या हालत है यमुना की आज, भाई काट के हारी एक बार सड़ती है, आपने अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वो सीधे सारे आदमी थे, सरा सुहाग के थे, उन्हें छलकपट नहीं था, उनको बहका दिया, आप उनके कंधे पर चढ़ के आप सत्ता का मजा ले रहे हो, और ये ना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, आपका भी नंबर आने वाला है। मैंने ये वीडियो बताई बात कि आम आदमी पार्टी वास्तव में ईमानदार है या नहीं है, ये भ्रष्टाचार बढ़ावा देती है या नहीं देती, काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा, आप ईमान हर बार क्या एलजी ने कर दिया, हर बात में एलजी का नाम बढ़ाते हैं, काम करते नहीं है एलजी का नाम।